Which of the following actors has been awarded the Best Actor Award at the New York International Film Festival for their short film Happy Birthday? निम्नलिखित में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर। अनुपम खेर वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय प्रसाद कदम, प्रोड्यूस्ड बाय प्रसाद कदम एंड प्रोड्यूस्ड बाय FNP मीडिया। अपार्ट फ्रॉम अनुपम, अहाना कुमरा हैज़ एक्टेड इन हैप्पी बर्थडे। द फिल्म ऑल्सो वन द बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द फेस्टिवल। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपनी अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम द्वारा किया गया है और FNP मीडिया द्वारा निर्मित है। अनुपम के अलावा हैप्पी बर्थडे में अहाना कुमरा ने अभिनय किया है। फिल्म ने फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच? नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 1998 में इसी दिन पोखरण राजस्थान में सफल परमाणु प्रशिक्षण करने के बाद भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला 6वां देश बन गया था। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है? रिसेंटली ट्विटर हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी डॉलर इन एड मनी टू इंडिया टू फाइट कोरोना वायरस, $15 million। Who has been appointed as the executive director food and refreshment by Hindustan Unilever Limited? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? श्री नंदन सुंदरम को। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की फाउंडेड स्थापना 1933 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और CEO संजीव मेहता है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली इज द बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? सकूर बल्की का, सकूर रैथर। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली इज द फर्स्ट बुक बाय द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI जर्नलिस्ट सकूर रैथर। दिस बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय स्पीकिंग टाइगर। इट टेल्स अबाउट द एशियंट पास्ट ऑफ काश्मीर, इट्स प्रेजेंट एंड ऑलवेज अनसर्टेन फ्यूचर। इट डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल एंड पोलिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट काश्मीर। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार सकूर राथेर की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। इसमें कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी का वर्णन किया गया है। Who has been appointed as the Reserve Bank of India as Executive Director? भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जोस जे कटूर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कटूर को कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। ED ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री कटूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय में अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका अभी 86 साल पहले हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं। हु वॉज स्वर्न इन एज द 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा? नासा के 14वें प्रशासक के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? बिल नेल्सन ने।
Former Senator Bill Nelson was sworn in as NASA's 14th administrator to carry out the Biden-Harris administration's vision for the agency. Nelson served as a payload expert on the U.S. Senate from Florida for 18 years and on the Space Shuttle Mission 61C in 1986. पूर्व सीनेट बिल नेल्सन ने एजेंसी के लिए बिल बिडेन हैरिस प्रशासन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की। नेल्सन ने फ्लोरिडा से 18 साल तक अमेरिकी सीनेट और 1986 में अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पर पेलोड विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। नासा का स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन द 50th शेख जायद बुक अवार्ड। निम्न में कौन 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी हैं? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। हाल ही में 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी हैं। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमी के पब्लिशर द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार जीता है। हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ DOGE फर्स्ट मिशन टू मून। हाल ही में किसने DOGE प्रथम मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की है? SpaceX। द सैटेलाइट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 ऑन द फाल्कन 9 रॉकेट। फाउंडर एंड CEO ऑफ SpaceX इज एलन मस्क। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SpaceX इज 2002। हेडक्वार्टर ऑफ SpaceX इज कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल होते हैं। विच वॉज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इलेक्टेड अनअपोज। नीलम सजीवा रेड्डी। भारत में कौन सा ऐसा एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया? नीलम संजीव रेड्डी। द इंस्पायरेशन लिबर्टी इक्वालिटी एंड फैटर्निटी वॉज डिराइव फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्रेरणा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति से उत्पन्न हुई थी? फ्रेंच क्रांति से। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलेक्टेड मेंबर इन स्टेट असेंबली? 500। किस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द यूनियन पार्लियामेंट वॉज? चौधरी चरण सिंह। भारत का प्रधानमंत्री जो केंद्रीय संसद का सामना नहीं करता था? चौधरी चरण सिंह। व्हाट इज द इलेक्टोरेट ऑफ फॉर अ पंचायत? ग्राम सभा। पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल क्या है? ग्राम सभा। द फर्स्ट गवर्नर एवर टू बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट वार? प्रभुदास पटवारी। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया पहला राज्यपाल था प्रभुदास पटवारी। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? दोनों सदनों में से कोई भी एक। जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा डैश पर आधारित है, प्रक्रिया बाय लॉ की स्थापना पर। हु कलेक्ट द हाउस टैक्स? म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन। हाउस टैक्स कौन जमा करता है? नगर पालिका। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। विच इज द ओनली यूनियन टेरिटरी डेट हैज हाई कोर्ट ऑन इट्स ऑफ इट्स ओन? न्यू दिल्ली। दिल्ली। कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? दिल्ली। द फर्स्ट वोमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? मीरा कुमार। लोकसभा का प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार। द फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल? लॉर्ड मायो।
भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय पे 1931 में। इन द ईयर 2006 विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़? प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट। वर्ष 2006 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री का नया 15 पॉइंट। द एन एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। उच्च न्यायालय का एक अतिरिक्त न्यायाधीश डेस्क की अवधि के लिए पद धारण करता है 2 साल के लिए। इन विच कोर्ट इन विच कंट्री डिड द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेगिटेशन ऑरिजिनेटेड? यूनाइटेड स्टेट। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट? आंध्र प्रदेश। पहली बार भाषाई राज्य कौन बना है था? तो आंध्र प्रदेश। विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन? हैबियस कॉर्पस। किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत में के मामले में अदालत द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 11। संविधान के वर्णित मौलिक कर्तव्यों में कुल की संख्या कितनी है? तो है 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 51A से संबंधित है। ऑल द केसेज रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एप्लिएट ज्यूरिडिक्शन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है अपील न्यायिक क्षेत्र से। द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी अदर जज बिसाइड्स द चीफ जस्टिस? 7। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीशों को शामिल किया जाता है? तो 7। हाउ बाई हुम इज द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट ऑपरेटेड? गवर्नर। राज्य के आकस्मिक कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में वो टोटल 33+1 का फॉर्मूला है, यानी कि 33 जज होते हैं और एक CJI होते हैं। हु इज लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा? बलराम झाकर। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वक्ता कौन थे? बलराम झाकर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ वी द पीपल इन द प्रीएम्बल? यूनाइटेड नेशंस। प्रस्तावना में हम लोग का स्रोत क्या है? संयुक्त राष्ट्र। व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। लोकसभा का कोरम क्या है? कुल सदस्य का 1/10 भाग। When constitution was framed, how many schedule were there? 8। जब संविधान बनाया गया था तो कितने अनुसूचियाँ थी? तो 8। Who is the chairman of the केंद्रीय हिंदी समिति? Prime Minister। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। Which part of the constitution of India talks about the municipalities? Part 9A। भारत के संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है? भाग 9A। Who proposed the creation of appraisal before the drafting committee? जवाहरलाल नेहरू। मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना के निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। Who said preamble is the keynote to the constitution? Ernest Barker। किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? अर्नेस्ट बार्कर ने। The idea of constituent assembly to form a constitution of the India was फर्स्ट मूटेड बाय हुम? M.N. रॉय इन 1927। भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? M.N. रॉय के द्वारा 1927 में। व्हाट इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट? ग्राम पंचायत। स्थानीय सरकार का निम्नतम स्तर क्या है? ग्राम पंचायत। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय विच मेथड? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। भारत में राष्ट्रपति किस पद्धति से चुने जाते हैं? एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा। थैंक यू।